अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाहौरी फ़िश फ्राई बना रही हूँ। उसमें जो चीज़ें डलेंगी, ये मछली है, मछली ये मेरे पास बोनलेस है, जो भी हो पसंद हो वो ले लें। और इसमें जो मसाले डलेंगे, नमक, मिर्च, और ये है देगी लाल मिर्च है, इसमें हल्दी है, पिसावा ज़ीरा है, कुटी हुई लाल मिर्च है, खटाई पाउडर है, अजवाइन है, और कसूरी मेथी है। और इसमें लहसुन अदरक डलेगा पिसावा, लेमन जूस, और बेसन ये जो है इसको मैं आखिर में डालूंगी। अभी इसमें ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। मसाले थोड़े से इसमें तेज़ रखने हैं, क्योंकि जब इसमें हम बेसन भी डालेंगे तो बेसन का मसाला भी सारा इसी में अभी डाल देते हैं। तो इसमें पहले ये लेमन जूस डाल देते हैं, लहसुन अदरक, और ये सारे मसाले डाल के अब इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेते हैं। और इसको कम से कम एक दो घंटे के लिए रख दें, और उसके बाद फिर इसके ऊपर बेसन भी डाल के फिर इसको मिक्स करके फिर इसको फ्राई करना जब होगा फिर मैं दिखाऊंगी। और इसमें मैदा भी लगेगा, वो आखिर में मैं बताऊंगी जब फ्राई करने से पहले बिल्कुल लगा के इसको फ्राई करेंगे। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसी वक्त इसमें थोड़ा सा मैं अभी सरसों का तेल भी डाल दूँगी, तो उसको अच्छी तरह मसाला जो है वो उसके ऊपर चिपक जाता है, नीचे बहता नहीं है जाके। बस इसको अच्छी तरह से रख देती हूँ मैं मैरिनेट करके, और अभी मैं आधा घंटे बाद फिर इसको दिखाती हूँ। कम से कम ये बोनलेस है तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता है मसाला अंदर जाने में, तो एक डेढ़ घंटा लाजमी इसको मैरिनेट के लिए रखते हैं, वरना ओवर नाइट रख दे तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें मसाला मैंने मिक्स कर दिया, बस अब इसमें थोड़ा सा ये सरसों का तेल भी डाल देते हैं, इससे ये मसाला ना इसके ऊपर अच्छी तरह ठहर जाता है, बहता नहीं है। बस इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ और इसको बस छोड़ देते हैं। देखें इसको दो घंटे हो चुके हैं। अब इसमें मैं ये बेसन, और मैं बता देती हूँ बेसन है इसमें, आटे का चावल और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर है, इससे बहुत अच्छी क्रिस्पी बनती है। और आखिर में इसके ऊपर मैं मैदा लगा के भी फ्राई करूँगी। अभी बस मैं ये इसके ऊपर डाल देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। और इसमें अगर अभी थोड़ा नमक मिर्च कम लगे थोड़ा डाल देंगे, और इसमें हरी अभी तो वैसे मिक्स हो जाएगा, अगर थोड़ा सा कम लगे सख्त लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छा सा बस मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फिर दिखाती हूँ। इसमें मैंने बेसन मिक्स कर दिया, बहुत ज़्यादा इसकी थिक कोटिंग नहीं होनी चाहिए। अभी इसके ऊपर मैं मैदा लगा के इसको फ्राई करूँगी, बस इस तरह से ये इसके ऊपर बस मसाले में बस लिपट जाए। थोड़ा सा मैंने इसे पानी डाला था जो मसाला थोड़ा कम हो रहा था इसमें, बस ज़रा सा पानी और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको बेसन डाल के बस मिक्स कर दिए। अब बस मैं इसको 5 मिनट के लिए रखूँगी, फिर इसको इसके ऊपर मैदा लगा के, सूखा मैदा लगा के फिर इसे फ्राई करेंगे। मैं फ्राई करके दिखाती हूँ, बस इतना इसमें मसाला होना चाहिए। ये अब मछली को तलना शुरू करते हैं। इसमें ये मैदा है बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने नमक थोड़ा सा और काली मिर्च डाली है, और इसमें कोई चीज़ नहीं है। बस इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, और अब मछली को जो है इस पर इस तरह से मैं दिखाती हूँ, इससे बहुत अच्छी क्रिस्पी बनती है। अच्छी तरह से इस पर लगा के और इसको बस फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो हल्का गर्म हो, ना बहुत तेज़ ना बहुत ज़्यादा गर्म। और मछली में ज़ाहिर इतना गलने का कुछ चीज़ नहीं होती, बस हल्की मीडियम से थोड़ी सी कम आंच पे पहले शुरू में फ्राई करेंगे, उसके बाद तेज़ करके और इसको निकाल देंगे। इस तरह से इसको लगा के अच्छी तरह से बस सूखा सूखा ही इसमें लगाना है, इसका कोई बैटर वगैरह नहीं लगाना है। और अभी 2-3 मिनट तक इसको बिल्कुल पलटना भी नहीं है, इस तरह से ये पक जाएगी, फिर इसको पलट देंगे। अपने सारी एक साथ फ्राई करके फिर दिखाती हूँ। देखिए मछली फ्राई हो गई है, अभी मैं इसको दिखा देती हूँ। अच्छी क्रिस्पी है ये, अंदर से तोड़ के मैं दिखाती हूँ। इसमें देखें अच्छी इसकी क्रिस्पी सी आवाज़ भी आ रही है, और अंदर से ये पूरी पक चुकी है। इसमें मैंने तलते वक्त वो भी डाल दिया था, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, साबित कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, मैं उस वक्त बताना भूल गई थी।
तो ये देखें इसका अंदर से भी अच्छा टेक्सचर है और ये टूटने में भी इसकी आवाज़ आ रही है, क्रिस्पी है अच्छी ऊपर से भी। तो इसको बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह पसंद आएगी। इसके जो इंग्रेडिएंट है मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और वैसे इसमें मसाले मैंने इतने तेज़ डाले थे तो ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा किसी चटनी की, लेकिन कोई भी अगर चटनी हो तो जो खट्टी वाली है तो इमली की हो या कोई भी खट्टी चटनी के साथ इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और दाल चावल के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं और दावत में भी एक एक्स्ट्रा डिश के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इसको बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह पसंद आएगा। और इसका जो क्रिस्पी जो ऊपर से क्रिस्पी हुई है जो सूखा मैदा हमने लगाया था उसकी वजह से हुई है, तो मैदे का बैटर नहीं बना है उससे ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाती है। और इसके अंदर मैंने ये भी नज़र आ रहा होगा कुटा हुआ साबित धनिया मैंने इसमें डाल दिया था, धनिया और ज़ीरा। बाकी सारी चीज़ें जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी डिटेल के साथ। तो इसको बनाइएगा, इंशाल्लाह ही पसंद आएगा।